नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय दीवान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात याद आ रही है। एक व्यक्ति ने ना नया नया मोबाइल खरीदा, बड़ा शौकीन था वो मोबाइल का। जैसे ही वो दूसरे दिन सुबह उठा, उसने मोबाइल चेक किया तो उसके ऊपर लिखा था बैटरी लो। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ, शॉप पे गया और दुकानदार से कहा कि यार एक नई बैटरी दे देना। नई बैटरी लेके आया, बैटरी चेंज करी। दूसरे दिन जब फिर सुबह उठा तो फिर लिखा था बैटरी लो। वो फिर दुकान पे गया, बैटरी लेके आया, बैटरी चेंज करता है। शाम तक बैटरी उतर जाती है। जैसे सुबह दोबारा फिर मोबाइल चेक करता है तो फिर लिखा है बैटरी लो। ऐसे करते करते ना कम से कम उसने 50 नई बैटरियां खरीद डाली। एक दिन दुकानदार बोलता है, यार ये एक बता, तेरे पास कितने मोबाइल हैं? कहता है एक ही। कहता फिर उसकी रोज बैटरी चेंज करता है? कहता यार क्या बताऊं भाई, ये मोबाइल मुझे कंगाल कर डालेगा। मतलब क्यों? बोला जैसे ही सुबह रोज उठता हूँ, मोबाइल उठाता हूँ तो उसके ऊपर लिखा होता है बैटरी लो। उसने कहा भाई साहब, बैटरी लो का मतलब हर बार नई बैटरी लेना नहीं होता, बैटरी लो का मतलब है उसको चार्ज करना होता है। दोस्तों इसी को कहते हैं ज्ञान। यार जब हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता ना, तो होता क्या है कि उसके प्रति हम भ्रम पैदा कर लेते हैं। जिंदगी में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। हर इंसान के पास कोई ना कोई लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य को पाने के लिए इंसान मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर ज्ञान का इस्तेमाल किया जाए तो लक्ष्य जल्दी हासिल हो जाते हैं। एक बार ना एक शिष्य अपने गुरु से सवाल करता है कि ज्ञान का हमारी जिंदगी में क्या निचोड़ है। गुरुदेव ने बोला कोई बात नहीं, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ, गुरु के मन में याद था, मतलब गुरु को याद था कि शिष्य ने सवाल किया उसका जवाब देना है। 3-4 महीने बीते। अब रात के करीब 9 बजे का टाइम, गुरु ने एक किताब ली और शिष्य को दी, बोला जा कमरे में जाकर ये किताब मेरे पलंग पे रख देना। शिष्य गया किताब लेकर, जैसे ही वो आश्रम के कमरे में घुसा, चिल्लाने लगा, डर के मारे भागा बाहर की तरफ आया। गुरु ने कहा क्या हुआ? कहता गुरुदेव अंदर सांप है। कहता यार सांप कहां से आएगा, अच्छी तरह से देख। कहता मैंने अच्छी तरह से देखा, अंदर सांप है। कहते एक काम कर, दोबारा फिर जा, मंत्र उच्चारण करना, अगर सांप होगा ना तो वह भाग जाएगा। अब शिष्य ने मंत्र उच्चारण करने शुरू किए, अंदर गया, जोर जोर से मंत्र उच्चारण कर रहा है लेकिन वो सांप नहीं जा रहा। फिर भागते हुए बाहर आया, बोला गुरुदेव सांप बड़ा ढीठ है, मंत्र उच्चारण से भी नहीं जा रहा। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, ये दीवा ले जाओ। शिष्य दीवा लेके अंदर गया, हंसते हुए बाहर आया। गुरु ने कहा क्या हुआ? कहता गुरुदेव मैं यूं ही डर रहा। क्या हुआ? बोलता है कि वहां सांप नहीं, वो रस्सी थी। वो गुरु ने कहा बच्चे तूने एक दिन सवाल किया था कि ज्ञान का हमारी जिंदगी में क्या निचोड़ है। बेटा जिस तरह इस दीपक की रोशनी से तुझे ये पता चल गया कि ये सांप है या रस्सी है, उसी तरह से ज्ञान हमारी जिंदगी में जरूरी है। हम भी कई बार अपने मन में किसी काम को लेके ऐसे भ्रम पाल लेते हैं, जब तक वहां ज्ञान का दीवा ना जले तब तक हम उसी भ्रम के साथ जीते हैं। इसलिए भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। जिनके पास ज्ञान होता है उनमें कुछ करने का दम होता है, और जिनके पास ज्ञान नहीं होता उनके पास सिर्फ भ्रम होता है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? चलो मैं एक सवाल आपसे और करता हूं कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं दो गठरियां लेकर, एक में खूब सारा धन हो और एक में खूब सारा ज्ञान हो, किसका चुनाव करोगे? समझदार व्यक्ति
ज्ञान की गठरी का चुनाव करेगा, क्योंकि दोस्त धन कहीं नहीं टिकता। अगर एक बार खर्च हो गया तो वापस पहले वाली पोजीशन पे भी पहुंच जाओगे, लेकिन अगर ज्ञान आपके पास होगा तो उस ज्ञान के दम पे आप वापस धन अर्जित कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी में कुछ भी करो, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान या तो आप किताबों से ले सकते हैं, या जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहले से अगर कोई व्यक्ति पहुंच चुका है तो उस व्यक्ति को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि वो जानता है कि जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही पहुंच चुका है। इसलिए जिंदगी में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप सहमत हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा। संजय धीमान आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।